नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुणाल सिन्हा। स्किन में कुछ कुछ बीमारियां भी हो जाती है, स्किन से रिलेटेड कुछ कुछ बीमारियां भी होती हैं, और आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन के एज में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि स्किन डिजीज़ की भी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। स्किन पहले जितना पहले नेचुरल इन्वायरमेंट था तो उतने ज़्यादा स्किन पेशेंट्स नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो स्किन से रिलेटेड पेशेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो स्किन डिजीज़ क्या होती है और कितने तरह की होती है? देखिए, ये सवाल में तो पूरा मेरा एक बताने में समझिए कि एक समय बहुत एक बहुत ही लंबा सवाल है। इसको मैं एक संक्षेप में आपका बताना चाहूँगा। स्किन डिजीज़, जो भी डिजीज़ स्किन पे आता है वो स्किन डिजीज़ है, चाहे वो दाद दिनाए, खाज खुजली, फोड़ा फुंसी या वैसा कोई भी चीज़ हो, वो उसको हम स्किन डिजीज़ में रखते हैं। स्किन डिजीज़ बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। आजकल जैसे अभी के समय में बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को ये जो फंगल इन्फेक्शन बहुत फैला हुआ है। फंगल इन्फेक्शन इतना मतलब क्या होता है कि लोग खुद ही बाहर जाके अपने से दवा दुकान में अलग अलग टाइप की दवा लगाते हैं, जो कि उसको बैंड भी है, और उसके यूज़ करने से बहुत सारी एलर्जीज और रिएक्शन भी आती है, और ठीक होने के बजाय फंगल इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। बहुत सारे क्रीम, स्टीरॉयड क्रीम्स होते हैं जिसको लगा लगा के फंगल इन्फेक्शन को लोग दबा देते हैं, लेकिन उसको छोड़ने के बाद फिर और बढ़ के आता है। तो ऐसी चीज़ें ना करें। फंगल इन्फेक्शन का इलाज होता है, इसका इलाज बिल्कुल संभव है, लेकिन अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके दिखाएं और उसका पूरा कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट करें, है ना। आधा अधूरा इलाज और स्टेरॉयड क्रीम्स का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए फंगल इन्फेक्शन के केस में। और स्किन डिजीजेस की जब बात आती है तो एक बीमारी है विटिलिगो, तो जिसको आम भाषा में सफ़ेद दाग भी कहा जाता है। तो ऐसे लोग, मतलब जो पुरानी सोच रखने वाले जो लोग हैं, वो लोग का कहना है कि ये फैलने वाली बीमारी है। तो ये विटिलिगो होता क्या है और क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है? देखिए, विटिलिगो जो आम भाषा में हम लोग सफ़ेद दाग कहते हैं, विटिलिगो एक आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों में विटिलिगो के केसेस आ रहे हैं। ये बिल्कुल भी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, ये बिल्कुल भी छुआछूत नहीं है, इसका इलाज बिल्कुल संभव है। अगर जल्दी से दिखाया जाए तो 70% विटिलिगो ठीक हो सकते हैं। अन्य अन्य प्रकार के विटिलिगो होते हैं, किन्हीं को ओठ के अंदर हो जाता है, किन्हीं को बाहर चमड़े में होता है, तो ये अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं, और ये बिल्कुल कम्युनिकेबल नहीं है, इसका इलाज संभव है। और ये समाज में एक गलत फहमी फैली हुई है कि ये छूने से फैलता है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, इसका इलाज बिल्कुल संभव है। और बीमारियों की बात आती है तो कैंसर के बाद एक और बीमारी है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जिसको एक्जिमा बोलते हैं। तो ये एक्जिमा क्या है और इसके लक्षण क्या देखे जाते हैं? देखिए, अगर मैं सरल भाषा में कहूँ, एक्जिमा को एक कोई भी ऐसा स्किन इन्फेक्शन है जो कि आपके किसी भी भाग में आ सकता है और आपके स्किन को एक लोकलाइज्ड एरिया में वो ड्राई भी कर सकता है, और उससे स्केलिंग भी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा इचिंग रहती है। ये दो तीन चीज़ एक्जिमा के प्रीडोमिनेंट फैक्टर्स हैं। जनरली लोग को देखा गया है लोअर एक्सट्रीमिटी, मतलब पैरों में ज़्यादा होता है, हाथ में भी होता है, अलग अलग टाइप के एक्जिमा होते हैं जो होम मेकर्स होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, उनको फिंगर टिप एक्जिमा हो जाता है कभी कभी लगातार सर्फ साबुन डिटर्जेंट वगैरह के उपयोग करने से, है ना, फिनाइल वगैरह या केमिकल्स यूज़ करने से। किन्हीं को पैरों में एक्जिमा आ जाता है, मेन है कि उसमें स्किन का बैरियर चला जाता है और वो बैरियर बनने में काफ़ी वक्त लगता है। लोग एक्जिमा के लिए कुछ क्रीम लगा लेते हैं, हल्का ठीक होता है, वो छोड़ देते हैं, लेकिन वो फिर से पनपता है, क्योंकि स्किन बैरियर जब तक नहीं बनेगा आपको थोड़ी सी उसमें इलाज लंबी करनी पड़ेगी। तो एक्जिमा को हल्के में नहीं लेना चाहिए ताकि वो फैले नहीं, आपके स्किन को और ख़राब ना करे, और तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए।